हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो इस सीरीज का नाम जून एंड जून है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है चाय जून और सॉन्ग को, जो कि प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। और तभी वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं सैमन को, जो अपने फ्रेंड्स के साथ आया होता है लीजून से मिलने। और सैमन के फ्रेंड को तो आपने बहुत सारी सीरीज में दिखा ही होगा। फिर दोनों वहां से जाते हैं, फिर सैमन लीजून से मिलने लीजून के ऑफिस में जाता है। सैमन लीजून को देख कहता है हनी, और इतना कहकर वो यहाँ पर स्माइल देता है। फिर वो सॉन्ग और चाजुन को भी देखता है और उन्हें स्माइल देकर हाई करता है। और सैमन के मुंह से लीजून के लिए हनी सुनकर यहाँ पर चाजुन काफी शॉक होता है। तभी लीजून सैमन से कहता है, आप यहाँ कैसे, अभी तो 10:30 बज रहे हैं। इस पर सैमन कहता है, ओ नो, मेरी घड़ी लगता है खराब हो चुकी है, देखो इसमें तो 12 बज रहे हैं। इस पर लीजून कहता है, लेकिन मैंने तो अब तक आपके लिए सैलेड प्रिपेयर नहीं किया। इस पर सैमन कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए और हमारे लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर लीजून को ब्रेकफास्ट दिखाता है। इस पर लीजून कहता है, ठीक है हम चलते हैं। और वो सैमन को लेकर वहाँ से जाता है। लीजून को सैमन की क्लोज देखकर यहाँ पर चाजुन काफी ज्यादा शॉक होता है और जेलस भी। वो सॉन्ग से कहता है गुस्से में, आखिर ये सब क्या था। सॉन्ग कहता है, क्या। चाजुन कहता है, वो बास्टर्ड, मेरा मतलब कि वो लड़का सैमन, उसने क्या कहा हनी, आखिर उसका लीजून का रिलेशनशिप क्या है। इस पर सॉन्ग कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं वो लीजून का फॉर्मर कलीग है। इस पर चाजुन जेलसी में और गुस्से में कहता है, अच्छा फॉर्मर कलीग। और दूसरी तरफ हम सीन देखते हैं जहां पर लीजून सैमन के साथ होता है, और यहां पर सैमन लीजून को ही देख रहा होता है। इस पर लीजून कहता है, आप क्या देख रहे हैं। इस पर सैमन कहता है, तुम फूड को कितने अच्छे से कट कर रहे हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम सब कुछ कितने अच्छे से करते हो। इस पर लीजून कहता है, मैं छोटे से टास्क को भी अपना बेस्ट देता हूँ, क्योंकि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ और मैं दूसरे से पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दूसरों की इतना अच्छा नहीं हूँ। इस पर सैमन कहता, नहीं तुम सबसे अलग हो। इस पर लीजून कहता है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझ में टैलेंट की कमी है, तो मैंने ऐसी बातें कई बार दूसरों से सुनी है अपने लिए। इस पर सैमन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम बस थोड़े से क्लूलेस हो। इस पर लीजून कहता है, क्या। इस पर सैमन लीजून के हाथ को पकड़ता है और फूड खाता है और कहता है, मैंने कहा कि तुम थोड़े क्लूलेस हो। इस पर लीजून कहता है, आप मुझे डांट रहे हैं ना। सैमन कहता है, नहीं मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम में टैलेंट नहीं है। मैं अपने पूरी लाइफ में भी ऐसी बातें नहीं बोल सकता तुम्हारे लिए। इस पर लीजून स्माइल देता है और कहता है, क्या, क्योंकि आपको डर है ना कि आपकी ऐसी बातों से मैं हर्ट हो जाऊँगा। इस पर सैमन कहता है, नहीं मुझे डर इस बात का है कि ऐसा तुम्हें बोलने से मैं हर्ट हो जाऊंगा। और वो यहाँ पर लीजून के हेड को टच करता है और स्माइल लेते हुए कहता है, तुम फिर से कुछ नहीं समझे कि तुम्हें इस पल इस मोमेंट में मुझे क्या कहना चाहिए। इस पर लीजून कहता है, सॉरी मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। इस पर सैमन कहता है, हम डेट करते हैं, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए तो फिर तुम मुझे बताओ। इस पर लीजून काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या, क्या ये सब कहना इतना आसान है। इस पर सैमन कहता है, क्या तुम्हें किसी और ने कन्फेस किया है। ये सुनकर लीजून काफी शॉक हो जाता है और कहता है, घबराते हुए नहीं। इस पर सैमन कहता है, ऐसा लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। सैमन की बातें सुनकर लीजून यहाँ पर टॉपिक को चेंज करता है और कहता है, ये ब्रेकफास्ट करने का टाइम है ना कि लंच का, हमें जल्दी करना चाहिए। इस पर सैमन कहता है, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम हम साथ में लंच करेंगे, हम लंच में मिलते हैं। इस पर लीजून कहता है, लेकिन क्या आप बिजी नहीं हैं। इस पर सैमन कहता है, हाँ मैं बिजी हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम निकाल सकता हूँ। और ये सुनकर लीजून यहाँ पर सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग सैमन को मैसेज करता है और लिखता है कि सैमन मुझे तुमसे मिलने की जरूरत है, मुझे तुमसे बात करनी है। सैमन मैसेज को पढ़ता है और उसे इग्नोर करता है। और वो यहाँ पर लीजून के साथ मीटिंग रूम में होता है। लीजून के हेड को टच करता है और कहता है कि मैं और डीपली इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, और भले ही ये तुम्हारे साथ काम ही करना क्यों ना हो, मुझे आज से पहले ऐसा कोई भी चांस नहीं मिला। इस पर लीजून कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मैं एक अनफेमस और कमजोर आइडल था, मैं उतना अच्छा नहीं था। इस पर सैमन लीजून के कान खींचता है और कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, तुमने ऐसी बातें करना किससे सीखा। इस पर लीजून कहता है, सॉरी। सैमन कहता है, आखिर तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद मुझे तुमसे बात करने का, तुमसे मिलने का चांस मिला और साथ में काम करने का।
इस पर लिजुन कहता है, लेकिन मैंने तो काम के बारे में कुछ बताया ही नहीं, आप हमारे साथ काम करेंगे कि नहीं। इस पर साइमन कहता है, तुम मुझे गाना गाने के लिए तो नहीं कहोगे ना, या फिर तुम कहोगे। इस पर लिजुन हंसता है और कहता है शायद। यह सुनकर साइमन यहाँ पर हंसता है और कहता है ठीक है, तुम ट्राई करो, अगर तुम कहोगे तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर लिजुन यहाँ पर स्माइल देता है और वो यहाँ पर साइमन को परफ्यूम के प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बताता है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग होता है, साइमन सॉन्ग से मिलने आता है टेरेस पर। साइमन कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम काफी अनोइंग हो। सॉन्ग स्माइल देते कहता है, आखिर इतने दिनों तुम कैसे थे। इस पर साइमन गुस्से में कहता है, तुम्हारी स्माइल ना ये मुझ पर काम करने वाले नहीं है, ठीक है। इस पर सॉन्ग कहता है, तो क्या ये बात है। साइमन कहता है, क्या बात है, मैं बिजी हूँ, मुझे शूटिंग के लिए भी जाना है। इस पर सॉन्ग कहता है, क्या तुम यहाँ शांति से आ नहीं सकते और शांति से यहाँ से जा नहीं सकते। इस पर साइमन हंसता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शांति वर्ड को सूट करता हूँ। इस पर सॉन्ग कहता है, तुम्हारी वजह से लिजुन की रिपुटेशन खराब हो रही है। इस पर साइमन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कोई लिजुन के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, और वो भी सब कुछ मेरी वजह से। कम ऑन, तुम्हारी बातों में कोई सेंस नहीं है। इस पर सॉन्ग कहता है, मेरी बातों में सेंस है। और गुस्से में कहता है, तुम हमेशा लिजुन के क्लोज रहते हो। इस पर साइमन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे डांट रहे हो। सॉन्ग कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। साइमन कहता है, क्या तुम हमेशा से ही ऐसी बातें करते हो, जब तुम्हारी बातें खत्म हो जाती हैं तुम मुझे अवॉइड करते हो, हाँ, और मेरे कॉल्स को भी इग्नोर करते हो। इस पर सॉन्ग कहता है, हमारे बीच प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। इस पर साइमन गुस्से में कहता है, अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हाँ, अच्छा तो कब से हम दोनों के बीच में प्रोफेशनल आ गया। इस पर सॉन्ग कहता है, हमेशा से, ये सब कुछ तो हमेशा से ही था। इस पर साइमन गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं लिजुन से पहले तुमसे मिला था, और मैंने तुम्हारे साथ पूरे 5 साल काम किए, पर देखो ये सब क्या है, तुम कह रहे हो कि हमारे बीच प्रोफेशनल रिलेशन है, तुम्हारी बात ही मुझे अपसेट कर रही है। इस पर सॉन्ग कहता है, अपसेट और तुम, और वो भी मेरी वजह से। साइमन कहता है, चाहे जो भी हो, हमने साथ में कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। इस पर सॉन्ग कहता है, टाइम, क्या ये इम्पोर्टेंट है। इस पर साइमन गुस्सा हो जाता है और कहता है, लोगों को पता होना चाहिए कि तुम कितने बड़े कमीने हो। और इतना कहकर वो अपना चश्मा पहनता है और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना, समझे, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और इतना कहकर वो गुस्से में जाने लगता है, तभी सॉन्ग कहता है, ओके गुड बाय। ये सुनकर साइमन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं सकते, तुम कमीने हो, मैं यहाँ से सच में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जाता है। इस पर सॉन्ग कहता है, ठीक है। साइमन फिर से रुकता है और कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे कांटेक्ट मत करना, और वैसे भी मैं तुम्हारे कॉल का आंसर नहीं देने वाला। इस पर सॉन्ग साइमन को देखने लगता है। साइमन फिर से रुकता है, कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे कॉल का आंसर सच में नहीं दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देखकर सॉन्ग यहाँ पर हंसता है और कहता है, ये तो अभी भी बच्चा ही है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर चाजुन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर लिजुन की सीनियर आती है। चाजुन कहता है, क्या कोई अर्जेंट काम है। इस पर वो कहती है, हाँ, ये हमारे कंपनी के मॉडल के बारे में, हमें हमारे मॉडल से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, मैंने बस अभी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया है, ये रही फाइल। इस पर चाजुन कहता है, लिजुन की सीनियर कहती, हाँ वो साइमन है, हमारी कंपनी के होने वाले मॉडल, मिस्टर लिजुन ने उन्हें कन्विंस किया है। यह सुनकर चाजुन यहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और जेलस भी। तभी लिजुन की सीनियर कहती है, वो बहुत ही अच्छे और टॉप मॉडल है, आपको पता है वो बेस्ट एक्टर है, और वो हमारी ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट काफी फेमस होने वाला है। यह सुनकर चाजुन यहाँ पर कहता है, मुझे सब सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई, एक बार शेड्यूल सेटल हो जाएगा तो हम फिर से इस बात पर डिस्कशन करेंगे। मिस्टर लिजुन ने लगता है काफी हेल्प की है हमारे इस प्रोजेक्ट में, हाँ, प्लीज आप सबका ख्याल रखना, हमारे न्यू इंटरव्यूज का। लिजुन की सीनियर कहती, हाँ, और वहाँ से चली जाती। और तभी चाजुन अपने मन में कहता है, तो लिजुन साइमन के इतने क्लोज है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और वो यहाँ पर सोचने लगता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग स्माइल देते हुए कॉफी पी रहा होता है, और तभी वहाँ पर लिजुन आता है। लिजुन कहता है, सॉन्ग। सॉन्ग कहता है, लिजुन तुम। लिजुन कहता है, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैंने कहा था ना कि जब मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं आपको दूंगा, ये थोड़ा लेट हो गया। लेकिन इतना कहकर लिजुन यहाँ पर साइमन को गिफ्ट देता है। साइमन कहता है, आखिर इसमें क्या है। इस पर लिजुन कहता है, आप अब तक वो रुमाल यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको दिया था, मुझे बात काफी परेशान कर रही थी।
इस पर सॉन्ग कहता है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ। रिजुन कहता है, थैंक यू, आपने उसे यूज किया इसलिए मैं काफी हैप्पी हूँ, इसलिए मैं आपके लिए न्यू लेकर आया हूँ। और यहाँ पर सॉन्ग बॉक्स को ओपन करता है और कहता है, ये तो काफी प्रिटी है। और यहाँ पर सॉन्ग को हैंडकरचीफ में से स्मेल आती है। वो कहता है, आखिर खुशबू किसकी है? पर रिजुन कहता है, मुझे लगा कि आपको ये फ्रेग्रेंस काफी सूट करेगा। मुझे याद आया था कि लास्ट टाइम इनविटेशन कार्ड पर मैंने परफ्यूम की स्मेल को काफी पसंद किया था, इसलिए मैंने सोचा ये काफी अच्छा आइडिया होगा आपको इस तरह गिफ्ट देना। ये सुनकर यहाँ पर सॉन्ग स्माइल देता है। और तभी वहाँ पर चाजुन आता है और रिजुन के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। चाजुन को देख रिजुन गुस्से में जाकर दूर खड़ा हो जाता है। फिर वो यहाँ पर सॉन्ग की कॉफी लेता है और कहता है, मैं इसे ले रहा हूँ। इस पर सॉन्ग कहता है, रिको मैं इसे पी रहा था। इस पर रिजुन कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता। तभी सॉन्ग कहता है, रिजुन तो कभी कॉफी पीता ही नहीं है, लगता है वो ज्यादा ही थक गया है। इस पर चाजुन सॉन्ग को देखता है और काफी गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर वो कॉफी मशीन के पास आता है और वो सॉन्ग के हाथ में हैंडकरचीफ को देखता है और कहता है, ये तुम्हें काफी सूट कर रहा है। तभी सॉन्ग कहता है, क्या आप दोनों की फाइट हुई है? इस पर चाजुन कहता है, मेरी? आखिर कैसे पॉसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो यहाँ पर अपनी कॉफी बनाने लगता है। सीन देखते हैं जहाँ पर रिजुन ऑफिस में काफी सैड होकर टेबल पर सिर रखकर सोया होता है और सोच रहा होता है। और तभी वहाँ पर किम आती है। किम कहते हैं, युन्नी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो रिजुन कहता है, किम तुम यहाँ कैसे? किम कहती है, मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। क्या तुम्हारी ओप्पा से फाइट हुई है और तुमने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने चली आई।